राजा भैया की पार्टी आ गए कुंडा नगर पंचायत में। राजा भैया जनसत्ता दल प्रत्याशी उषा त्रिपाठी को 265 वोट मिले हैं और सपा की प्रत्याशी सीमा यादव को 161 वोट, सुमन साहू को 4 वोट, भाजपा प्रत्याशी 4 वोट तो ऐसा लग रहा है कि जैसे घर घर के ही मिले हैं, बाकी तो मिले नहीं कहीं, और बसपा की प्रत्याशी को 2 वोट, अपना और अपने बच्चे या फिर पति का मिला होगा, उसके अलावा कोई मामला गड़बड़ है इधर। तो कुंडा से बात है, ये नगर पंचायत जनसत्ता दल है राजा भैया का जी। बात कर रहे थे आनंद जी, कंप्लीट कीजिए फिर बात आगे करते हैं। वही मैं कह रहा हूँ कि आपको याद होगा कैसे चाचा जी को पार्टी से बाहर किया गया, उसके बाद पिताजी को धोखे में रख के पार्टी पे कब्जा कर लिया गया, अखिलेश यादव जी ने किया, माननीय मुलायम सिंह जी यादव जी ने किस तरह के शब्द जो है वो इस्तेमाल किए अखिलेश यादव जी के लिए, वो जो भी हो, लेकिन परिवार में किस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई, और फिर जब उन्हें ये लगा कि बिना चाचा जी के डिंपल जी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ने वाली है, एक मिनट रोक रहा हूं, प्रदीप जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, इंटरव्यू ना, प्रदीप जी इंटरव्यू करिए, क्या बोल रहे थे? देखिए ये जो बात परिवार पे लेके आ रहे हैं, जिनके परिवार होते हैं वो भली बात ही जानते हैं कि हर परिवार में कुछ छोटी मोटी बातें होती रहती है, दुबे जी साहब के में भी होंगी बड़े बड़े ऐसी बड़ी बात छोटी घटनाएं होती रहती हैं। क्यों राजनीति, हम परिवार, हम ये डिस्कशन शायद परिवार पे नहीं कर रहे हैं, दुबे साहब भूल गए। दूसरे बात, अगर परिवार में ही करना चाहते हैं, अगर परिवार पे ही करना चाहते हैं, देखिए किस पार्टी का नेतृत्व कौन करेगा या किसी समाज का कौन नेतृत्व करेगा, इसका फैसला भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, अगर आप परिवार की बात कर रहे हैं। और दूसरी बात बात है, अगर परिवार की बात करते हैं, अगर परिवार की बात करते हैं तो RSS में पहले आप कोई बीजेपी कोई पिछड़े वर्ग का कोई SC ST दुबे साहब बनवा दें अध्यक्ष, और जो भी इनके हेड होते हैं वो बनवा दें, और भारतीय जनता पार्टी कभी अपना अध्यक्ष कोई पिछड़े उससे ST SC बनवा दें। प्रधानमंत्री बैठा हुआ है ओबीसी की बात नहीं करी मैंने, ST SC की बात करी है, आप ध्यान से सुनिए, मैंने कहा ST SC से, OBC ST SC तो मैंने RSS के लिए कहा है। बंगारू लक्ष्मण कौन थे? और ST SC कहा है दुबे साहब, जरा ध्यान से सुनिए, और OBC के लिए कहा है, RSS के लिए, वो भी सुन लीजिए, बंडारू लक्ष्मण जी आप लोग, और उनका क्या हाल हुआ है वो भी हमने देखा है। आप लोग वो हैं जो 1991 के बाद किसी दूसरे यादव को भी अध्यक्ष नहीं बना पाए, या तो बेटा या तो देखिए हमारी पार्टी में का नेतृत्व कौन करेगा, ये समाजवादी पार्टी तय करेगी, उसका तय करे। अगर आपको कोई सलाह देनी है तो RSS को दीजिए, BJP को दीजिए, आपको सलाह देनी है, आप अधिकृत हैं, भारतीय जनता पार्टी को सलाह दीजिए, कई ST SC का बना दीजिए, आप क्यों नहीं देते हैं सलाह, आप आगे दूसरों को सलाह दे रहे हैं, आपसे जहां पूछनी जा रही है वहां सलाह दे रहे हैं। देखिए किसी भी आंदोलन को अगर खत्म करना है तो पहले उसके शीर्ष नेतृत्व पे अटैक कर लिए आप, ये बहुत पुरानी साजिश रही है, और हमारा नेतृत्व कौन करेगा, तो हमारा नेतृत्व सक्षम हाथों में, हम जानते हैं किसे कौन करेगा, और OBC का नेतृत्व कौन करेगा, ST SC कौन करेगा, वो हम जानते हैं। ठीक, एक मिनट, एक मिनट आनंद जी, एक मिनट आजम खान को राष्ट्रीय अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया आनंद जी, एक मिनट, किसको बनाना है आप बताइए ना, ST SC को क्यों नहीं बनाया आपने आज तक, आपने भाजपा ने क्यों नहीं बनाया बताइए, एक मिनट, एक भी ST SC का अध्यक्ष भाजपा ने क्यों नहीं बनाया, आपका तो 40 साल का है, हर वर्ग को परिवार को प्रतिनिधित्व दिया है आप दोनों, एक मिनट, हम लोग बोलते हैं कि जातिवादी व्यवस्था ठीक नहीं है, आपके आपकी पार्टी में हम लोग परिवारवाद नहीं है, आपको अपना सिलेक्टिव परिवार दिया जाता है, हम लोग बोलते हैं मैं तो आपके परिवार में 50 से 60 परिवार ऐसे हैं, आपको वो सिलेक्टिव नजर नहीं आता है, वो परिवारवाद नहीं है, आप फिर वहाँ पे डेफिनेशन चेंज कर लेते हैं, तो आपकी डेफिनेशन हर दूसरे दिन चेंज होती है, अभी आप परिवारवाद की बात मेघालय में कर रहे थे दुबे साहब, आप परिवार की बात मेघालय में कर रहे थे, क्या क्या किया आपने उस परिवार का, आप सबसे पहले आके उस परिवार की गोद में बैठ गए, एक मिनट आप दोनों लोग एक मिनट, अरे आपने मेघालय में क्या किया, आप मेघालय में परिवारवाद की बात कर रहे थे, कैसे गोदी में बैठ गए कल जाके, कैसे बैठ गए बताइए, इतनी इतना समझौता, आप इतने आदर्शवादी पार्टी हैं, तो आपने ये आदर्श वहां क्यों तोड़ दिया, तुरंत तोड़ दिया, बादल के साथ क्यों थे आप, अगर आप सिर्फ आदर्शवादी पार्टी आप खोखली पार्टी हैं, आपकी कोई विचारधारा नहीं है, आप सिर्फ स्वांग रचाते हैं सत्ता लेने के लिए, आप सिर्फ सत्ता में आरोप लगाया, मुझे लेकिन ये लगता है, मुझे ये लगता है कि अगर लग रहा है किसी को अगर सक्षम होगा सब बन सकते हैं,
बात कहीं और चली जाएगी। जो सक्षम होगा बन सकते हैं, बात कहीं और चली जाएगी। आप पहले अपनी पार्टी में बना लीजिए। एक मिनट, आप अपनी पार्टी में परिवारवाद खत्म कर